खेलने आता है। इसका कोई फ्रेंड है? हम उससे बात करना चाहते हैं। सर आप मंजीत से बात कर सकते हैं, वो दोनों अक्सर साथ में आते थे और साथ ही में खेलते थे। अरे यार कौन हो भाई, बोल रखो यार। पुलिस, राणागंज पुलिस स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। क्या हो गया सर? लकी गिल मारा गया, उसका बैकग्राउंड हमारे सामने, वो क्या करता था, कहाँ रहता था, उसके माँ बाप कौन थे, सब। मंजीत अरोड़ा, तू भी लकी गिल को अच्छी तरह से जानता था? मैं जानता था लकी को, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि लकी को किसने मारा और क्यों। ऐसी कोई खास दोस्ती यारी नहीं थी हमारे बीच, बस यहाँ पूल खेलने आता था, पूल खेलते थे तो दोस्ती हो गई। हमने यहाँ का रजिस्टर चेक किया है, लकी गिल अपने घर वालों से भी ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारता था। दिखाएं रजिस्टर, तेरी दोस्ती के सारे रिकॉर्ड हैं उसमें। लकी गिल ड्रग्स बेचता था, उसकी कुंडली तो हमने निकाल ली। अब अगर तुमने कुछ छुपाया ना या झूठ बोलने की कोशिश की तो तेरी कुंडली निकालने में भी हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे मालूम है कि लकी ड्रग्स बेचता था, लेकिन मेरा दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है ड्रग्स के साथ। वो तो खतरों से खेलता था सर, लेकिन मैं बस पूल खेलता था उसके साथ। कभी कभार एक आध बार बियर पी ली होगी साथ में, लेकिन उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अच्छा किया तूने बता दिया कि तू उसके साथ पीता भी था। लकी गिल 10 दिन से गायब था और वो तुझे 12 दिन पहले मिला था। इतने दिन वो यहाँ आया नहीं, तेरे साथ पूल नहीं खेला, तो तुझे उसकी याद तो आई हो, मिस तो किया हो। लकी गिल को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश तो की होगी ना तूने? कहाँ सर, सर लकी अपनी मर्जी का मालिक था, वो जो भी करता अपनी मर्जी से करता था। मुझे मालूम है कि 12 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी और उसके बाद नहीं हुई, पर जैसा मैंने आपको बताया हमारी कोई ऐसी दोस्ती यारी तो थी नहीं कि मैं उसको फोन वोन करूं पूछने के लिए कि कहाँ गया। सर सर मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सर, मैंने कुछ किया ही नहीं है सर। सर 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 मुझे जो जो मालूम है सर लकी के बारे में मैं आपको सब बता दूंगा सर, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि लकी का मर्डर किसने किया और क्यों किया है। तुझे सीधे सीधे सच बोलने का एक मौका दिया था पर तूने नहीं बोला, अब तुझे लॉकअप में ले जाकर उल्टा लटकाएंगे, देखते हैं तेरा सच कैसे बाहर नहीं आता। सर 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 बता दो सर 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 बताता हूँ मैं। बोल। लकी ड्रग्स बेचता था और ये सबको पता है, मगर कुछ टाइम पहले लकी ने मुझे कुछ ऐसी बात बताई, अब वो पता नहीं वो सच थी या झूठ, मगर जो लकी ने कहा ना सर वो सुन के मैं डर गया। उस हफ्ते के पहले दारू का पैसा हम दोनों बराबर बांटते थे, आधा आधा, मगर उस हफ्ते में तो लकी मानो एकदम दिलदार हो गया था। आगे बोल मंजीत, क्या बताया था लकी ने तुझे? लकी ने उसने उसने एक बहुत बड़ा कांड किया था। कांड? मर्डर। ऐसे फटी पड़ी थी सर मेरी, इसलिए मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं। कब बोला था लकी ने तुझे ये? तो 3 महीने पहले, हाँ जुलाई में। लकी ने किसका मर्डर किया था? पता नहीं सर, उसने जब जो मीठी धमकी दी उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे कुछ पूछूं, और सर मैं बस पूल खेलता हूँ यहाँ, दारू भी पीता हूँ, मगर ड्रग्स छूता भी नहीं हूँ सर। और जैसे ही मैंने लकी का पोस्टर देखा सर, मेरी सर सोचा जाकर बोल दूँ, मगर पता चला पीछे से मुझे ही कोई कुछ कर दे तो। कोई और था जो उसके साथ काम करता था? उसकी कोई गैंग थी? किसके लिए ड्रग्स बेचता था लकी? अपने बिजनेस के बारे में ना लकी ने कुछ बोला और ना मैंने कुछ पूछा उससे। तूने लकी का पोस्टर देखा तो चुप रहा, तू हमारे पास नहीं है फिर भी हम तुझ तक पहुंच गए, अब अगर भागने की कोशिश करेगा तो तेरा वो हाल करेंगे कि तेरा पोस्टर भी नहीं छपेगा। मैं कहाँ जाऊँगा सर, यहीं मिलूँगा। और अपना फोन ऑन रखना। लकी सबसे करीब शबनम से था, ये नामुमकिन लगता है कि शबनम को लकी के बारे में कुछ भी ना मालूम हो। ये मंजीत अरोड़ा शायद और भी बहुत कुछ जानता है जो उसने अभी हमें बताया नहीं।
ये लकी की फैमिली वाले शायद हमें पूरी बात नहीं बता रहे हैं। सर, लकी की माँ कमला कुछ बताना चाह रही थी लेकिन फादर ने बात बीच में ही काट दी। लकी ने कभी लकी को कभी कुछ बोल ही नहीं पाए। सुजाता, उनसे अकेले में बात करो। लकी गिल ड्रग पेडलर था। मंजीत अरोड़ा जिस मर्डर की बात कर रहा था, कहीं उस मर्डर का ताल्लुक लकी गिल के मर्डर से तो नहीं? समय थाने में लकी की सिर्फ यही एक फाइल है। सब इंस्पेक्टर नागर इसको चेक कर चुके, लकी पर मर्डर चार्ज कभी लगा ही नहीं। सागर, तुम्हारा खबरी भरोसेमंद तो है ना? जी सर, भटिंडा का पुराना चावल है। जब मैं शिमला में था तो दो तीन इंपॉर्टेंट केस में इसने बहुत मेहनत से काम किया था। ठीक है, उसे इस क्लब वाले मंजीत अरोड़ा के पीछे लगा दो और मुझे इस लकी गिल की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है सर, मैं खबरी को इस काम पे लगा देता हूँ। इस फाइल में लकी के और कोई रिकॉर्ड्स नहीं है? मेरा मतलब भटिंडा के दूसरे पुलिस स्टेशन के? नहीं है सर, अगर होते तो इस फाइल में जरूर होते। सर, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक टीम लगाता हूँ इन सारे ड्रग पेडलिंग गैंग्स के पीछे। ये गैंग्स अपने अपने इलाकों को लेकर बहुत सख्त हैं। लकी ने अगर किसी और के इलाके में माल बेचा होगा तो गैंग वार में शायद मारा गया होगा। मारा तो हमारे इलाके में गया, और मुझे वो बंदा चाहिए जिसने मेरे इलाके में ये मर्डर किया। क्या बोलिए मैडम आप, मुझे नहीं पता लकी ने किसका मर्डर किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि लकी ऐसा कर सकता है। वो ड्रग्स बेचता था, सिर्फ इतना मुझे पता है। देखो शबनम, लकी किसी के मर्डर में इन्वॉल्व था ये हमारे पास पक्की खबर है, और अब उसका मर्डर हुआ है। हमें लगता है इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन जरूर है। अरे मैडम, मैंने अभी आपको बताया कि लकी मुझसे सिर्फ इतना कहकर गया था कि वो कहीं से पैसे लेने जा रहा है। किस बात के, कहाँ से, ना मैंने उससे पूछा ना उसने मुझे बताया। और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता मैडम, आप मुझसे बार बार वही सवाल पूछ रही हैं। सर, ये चार फाइलें हैं जुलाई महीने की, सभी मर्डर केसेस हैं इसमें। आपने चेक की? जी सर, मैंने दो बार चेक किया लेकिन कोई भी केस में लकी गिल का नाम नहीं है। रख दो। जी सर। पत्ता गोभी, लौकी कैसे दे? एक ये भी दे दो। कमला जी, आपके बेटे लकी ने किसको मारा था? मेरे बेटे ने किसी को नहीं मारा है। आपको पता है लकी शिमला किसी काम से नहीं गया था, पैसे लेने गया था। किससे? वो आप बताइए। आपका बेटा मरा है, हमारे ज्यूरिसडिक्शन में उसकी लाश मिली है। हम उसके गुनहगारों को पकड़ना चाहते हैं। आप तो उसकी माँ हैं, आपको फिक्र ही नहीं है कि उसके गुनहगारों को पकड़ा जाए या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके एक बेटे ने दूसरे बेटे को मार दिया हो, हरप्रीत ने, और इसलिए आप चुप हैं? नहीं। तो फिर आपके पति सतेंद्र ने? मैंने कहा ना, नहीं। कमला जी, जवाब दीजिए। आपके लिए एक मर्डर केस है, हजारों केसों की तरह, पर लकी मेरा बेटा था, मेरा अपना खून। मैंने क्या खोया है आप कभी समझ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं ही नहीं समझ पाई कि मेरा लकी कब और कैसे इस जुर्म की दुनिया में चला गया। नहीं जाना चाहिए था उसे, पर वो पहले ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा बेटा था मेरा, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ग्रेजुएट था, पर हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। लकी, आ गया तू? कैसा रहा इंटरव्यू पुत्र?
अरे बोल ना, कैसा रहा इंटरव्यू? मेरी आंखों के सामने उसे मायूसी के अंधेरे में धंसते हुए देखा मैंने। हम लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि लकी को उस मायूसी से कैसे बाहर निकालें। लकी, तू ये सब क्यों कर रहा है पुत्र? लकी, पता ही नहीं चला कि वो कब और कैसे हमसे इतना दूर चला गया। ऐसे क्यों हो गया? जैसे हम उसे कभी जानते ही नहीं थे। मैडम जी, लकी सिर्फ हमारे घर में जन्मा था, पर हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता था। हम आपसे क्या छुपाएंगे? हमसे खुद ही छुपा हुआ था वो। खोया रहता था मेरा बेटा, पहले मायूसी फिर जुर्म की दुनिया में। उसका मर्डर हुआ या उसने किसी को मारा, हम कुछ नहीं जानते, तो हम आपको बताएंगे क्या? सर, मंजीत का पिछले 3 दिनों से पीछा किया जा रहा है। या तो ये बंदा एकदम क्लीन है, या फिर इतना मैला कि सारे मैल को छुपाए बैठा। सर, मंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स में तो कोई मैल नहीं है। 2 बार स्कैन किया, शक करने जैसी कोई बात नहीं है। हो सकता है मंजीत झूठ बोल रहा हो कि लकी ने कोई मर्डर किया है। बठिंडा में जुलाई में जितने भी कत्ल हुए सबकी फाइलें मैंने खंगाली, किसी भी फाइल में लकी के नाम का कोई जिक्र नहीं। सर, हो सकता है केस फाइल में उसका जिक्र ना हो, पर शायद कोई इनडायरेक्ट कनेक्शन हो। ललित, जितने भी मर्डर सस्पेक्ट थे सबकी क्वेश्चनिंग की, रिजल्ट 0। और बठिंडा के जितने भी ड्रग गैंग थे सबसे पूछताछ की, कड़ी पूछताछ, फिर भी रिजल्ट 0। कहीं से भी लकी गिल के मर्डर या दुश्मनी का कोई एंगल नहीं बना। सर, हो सकता है लकी पैसे लेने गया हो, पैसे लिए हों और लौट रहा हो, और किसी ऐसे आदमी ने उसे मार दिया हो जो उसे जानता तक नहीं था। शायद इसलिए हमें लीड नहीं मिल रही। मान लेते हैं कि रैंडम किलिंग थी, फिर भी मारने वाले की कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर रही होगी। मैंने इलाके के सारे स्ट्रीट हिटर से पूछताछ की, जो रिटायर हो चुके हैं उनसे भी, लेकिन रिजल्ट 0। लकी गिल एक क्रिमिनल था जो हमारे एरिया में मारा गया। कहीं से कोई लीड नहीं, कोई सुराग नहीं। तो क्या इस केस को अनसुलझा केस मान लें? हमारे एरिया का मर्डर केस अनसॉल्व्ड। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी टेबल पर एक अनसॉल्व्ड केस की फाइल पड़ी रहे। केस चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, पर मन में एक बात रह जाती है कि हमने परफेक्ट क्राइम होने दिया। फिर उस केस में आपने क्या किया? आप तो डेड एंड पर थे, फिर कौन सा नया एंगल सोचा आपने? मर्डर वाला एंगल। लॉजिक ये था कि लकी मर्डर केस में हमें कोई लीड नहीं मिल रही थी। अब अगर लकी ने जो मर्डर किया हो उसमें हमें कोई लीड मिलती है, तो हमारे प्रिंसिपल केस में भी लीड मिलती है। तो अब हम निकल पड़े उस मर्डर केस की तलाश में जो शायद लकी ने किया हो और जो हमारे ही केस की तरह अनसॉल्व्ड हो। क्या कोई ऐसा मर्डर केस हो सकता है जो हमारे इस केस की तरह अभी तक अनसॉल्व्ड हो? लकी गिल ने मंजीत अरोड़ा को जुलाई में बताया था कि उसने एक मर्डर किया, तो हो सकता है जून या जुलाई का कोई ऐसा मर्डर हो जिसमें लकी गिल शामिल तो था पर उसका नाम कभी सामने नहीं आया। मतलब कि एक अनसॉल्व्ड केस फाइल। ये एक फाइल है जुलाई की जिसमें हमें कोई भी लीड नहीं मिली। उमेश शर्मा, गारमेंट मैन्युफैक्चर, पार्किंग लॉट में गोली मारकर हत्या कर दी। जी, तीन तीन राउंड गोलियां चली और तुम्हें आवाज तक नहीं आई। सर जी, ये पीछे की साइड है, मैं वहां एंट्रेंस में सामने की तरफ रहता हूँ। सर, ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, उमेश शर्मा नाम है। सर जी, ये साहब जी रोज आ रहे थे कुछ समय से, इनका कोई एडमिट था ICU में। सर, डिलेक्स वॉट रूम नंबर 6, इनके फादर हरकिशन शर्मा एडमिट है। इनके कोई रिश्तेदार हैं तो बुला दीजिए। सर जल्दी नीचे चलिए, पार्किंग में कुछ हो गया। क्या हुआ है? एक मिनट, हटिए। पार्किंग लॉट की CCTV फुटेज चाहिए, अभी क्या? अभी जी सर, अभी देता हूँ। इसीलिए केस हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए और
इस सीसीटीवी फुटेज के अलावा हमारे पास कोई और लीड थी नहीं। पार्किंग लॉट में एक भी आई विटनेस नहीं था। हमने सारे हिस्ट्री शीटर से पूछताछ की पर कोई भी इस नकाबपोश कातिल को पहचान नहीं पाया। शायद ये बंदा जानता था कि हॉस्पिटल प्रमाइसिस में सीसीटीवी लगा हुआ, इसलिए इसने अपना चेहरा ढक रखा होगा। जी, और इसे ये भी मालूम होगा कि विक्टिम उमेश शर्मा अस्पताल आएंगे अपने बीमार पिता से मिलने के लिए। उमेश के पिता जो आईसीयू में एडमिट थे, फुटेज में दिख रहा है गन फायर करते वक्त 3 बार जाम हुई। शहर के सारे 0.8 बोर के लाइसेंस होल्डर और ग्रे मार्केट वाले सबको खंगाले। हर हिस्ट्री शीटर को खूब तोड़ा लेकिन इस मर्डर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। और कोई एंगल? बिजनेस में दुश्मनी का एंगल स्कैन हुआ है, बाकी सारे एंगल भी स्कैन हुए। ये शूटर किराए का तो लगता ही है पर लगता है इसे गन चलाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, 3 बार गन जैम। और ये लकी ड्रग पेडलर था, उसके खिलाफ कभी मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर का कोई केस भी सामने नहीं आया। कदकाठ ही तो लकी जैसी लगती है। जिस लकी गिल की आप बात कर रहे हैं, जिसकी लाश आपके ज्यूरिसडिक्शन में मिली है, इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना तो उसका कहीं कोई नाम आया और ना ही दूर दूर तक उसका कोई कनेक्शन था। लेकिन किशोर अभी तक किलर पकड़ तो नहीं गया ना, ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है, राइट? राइट। तो अगर हम ये मान लें, दुनिया भर में पूछने की क्या जरूरत थी, सीधा मुझसे ही पूछ लेते। हाँ, मेरे पापा और मेरे बीच प्रॉब्लम्स थी, 6 साल पहले मेरे मॉम की डेथ हो गई, बस वही थी जो हमारे बीच की शांति बनाए रखती थी। उनके बाद सिर्फ झगड़े ही हुए। और काफी कम उम्र से नफरत करते थे अपने पापा से, कितना, 15-16 साल? वो मेरे पापा और मेरे बीच का मामला था। आप ये जानना चाहते हैं ना कि वो कौन सा किराए का हत्यारा था जिसे मैंने पापा को मारने की सुपारी दी, राइट? राइट। वो कौन था, कितनी सुपारी दी और गन कहां से मिली? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो भी अनबन थी हमारे बीच, बट आफ्टरऑल वो मेरे पापा थे और अनबन कौन सी फैमिली में नहीं होती। हाँ, लेकिन हमारी फैमिली में हम दोनों ही तो थे, बस पापा और मैं। दादा तो जा रहे थे हमसे दूर, हम दोनों दादा को खोना नहीं चाहते थे, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की हमने, प्यार था हमारी भी। जी आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर, काफी खफा थे उमेश जी रघु से। देखिए आप फैमिली लॉयर हैं, आप बता सकते हैं क्या ये रघु उमेश जी का कत्ल करवा सकता है? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बात सच है तो मुझे शौक भी नहीं लगेगा, और अगर ऐसा ही हुआ है तो इस बात का पता तो आप ही लगा सकते हैं। लेकिन इस अनबन की वजह क्या थी, इतने गुस्सा क्यों थे उमेश जी रघु से? लाइफस्टाइल, ये रघु के सारे तौर तरीके, फिजूल खर्च। हाँ, मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि मेरी परमिशन के बिना तुम्हें कोई कैश नहीं दिया जाएगा, आज से, अभी से। पर क्यों पापा, इसकी क्या जरूरत है? कारण पूछने की हिम्मत रखते हो रघु? मेहनत से कमाए हुए पैसे जब कोई दूसरा अय्याशी में उड़ा देता है तो दर्द कमाने वाले को होता है। मैं कोई दूसरा हूं? पर कौन सी अय्याशी पापा, आज अगर दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं करूंगा तो कब करूंगा? नशा और जुआ एंजॉय नहीं होता है रघु। रघु देखो, उमेश जी सही कह रहे हैं, नशा और पापा और मेरी बात हो रही है पर्सनल, अपना ही बड़े बीच में। तमीज रघु, मेरा फैसला पक्का है, तुम काम करना शुरू करो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। पापा आपको क्या मिल रहा है मेरी इस तरह से इंसल्ट करके, मुझे बेसिक जरूरतों के लिए मोहताज करके। फिजूल खर्च जरूरत नहीं होती है रघु, और अगर इंसल्ट हो रही है ना तो वो मेरी हो रही है, मेरी मेहनत की हो रही है, मेरे काम की हो रही है, मेरे नाम की हो रही है। तुमने शराब पीकर गाड़ी चलाई, खंभे में ठोक दी गाड़ी, कोई बड़ा केस हो जाता तो क्या होता? शुक्र मनाओ कोई मरवर नहीं गया, वरना क्या हश्र होता तुम्हारा। मैं तुम्हें इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करता हुआ नहीं देख सकता, और ना ही तुम्हारी वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद होने दे सकता हूं। उनके बीच की अनबन कभी खत्म ही नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई जब रघु ने शादी कर ली मोनिका से। जवाब का जवाब ना ही होता तो आपसे पूछो ना पूछो क्या फर्क पड़ता है? शादी मजाक नहीं होता है रघु, कौन है ये लड़की, बैकग्राउंड क्या है इसका? प्यार करती है मुझसे, मैं भी प्यार करता हूं उससे, और मैं जानता था कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमने फैसला कर लिया, पहले शादी कर ली फिर आपके सामने आ गए। ठीक है, तुम बालिग हो, एक बड़ा फैसला लिया है तुमने, अब अपनी जिम्मेदारी निभाओ, जाओ अपनी पत्नी के साथ, बनाओ अपनी जिंदगी, अपना घर, जाओ। आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं? ना, तुम्हें इस घर के काबिल बना रहा हूं, जाओ मेहनत करो, साबित करो कि तुम ये घर, मेरा बिजनेस, इस खानदान को ढंग से हैंडल करने के काबिल हो, तब शायद शायद हाँ शायद तुम्हें मुझसे कुछ मिल सके। हाँ, पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, पैसा ट्रस्ट में देने की बात की थी, और ये सब तो आपको एडवोकेट चरणजीत से पता चल ही गया होगा, लेकिन जो आप नहीं जानते हैं वो ये कि पापा और मेरे बीच सुलह हो चुकी थी, उन्होंने मेरी बीवी मोनिका, उसे भी एक्सेप्ट कर लिया था, सब कुछ सही चल रहा था, फिर पापा को मार डाला गया, दादा भी चल बसे,
और मैं यहां पर बैठकर यह साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने अपने पापा को नहीं मारा। हमें रघु शर्मा के खिलाफ कुछ नहीं मिला। रघु के कॉल रिकॉर्ड में भी किसी पेशेवर हत्यारे से कोई कनेक्शन नहीं था। अमीर आदमी है, दो तीन फोन रख सकता है। हमने हर एंगल से टटोला था, सब कुछ चेक किया था, वरना ये फाइल अनसॉल्व केसेस के ढेर में क्यों होती? किशोर, तो फिर उमेश शर्मा का कत्ल किसने किया? फिलहाल तो हम ब्लैंक हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपके केस का विक्टिम लकी गिल मेरे केस का हत्यारा है, तो फिर इस केस में एक नया एंगल खुलता है, क्योंकि उस वक्त तो रघु शर्मा और लकी गिल के बीच में कोई कनेक्शन सामने आया ही नहीं था। अब सिर्फ लकी और रघु का ही नहीं, बल्कि उस पूल क्लब वाले मंजीत और रघु का कनेक्शन भी हो सकता है, जिसने कहा था कि लकी ने कोई मर्डर किया था। ये भी तो हो सकता है कि ये मंजीत झूठ बोल रहा हो, या फिर लकी ने जिस इंसान का कत्ल किया है वो कोई और हो, ये ना हो। सर, बॉडी स्ट्रक्चर लकी से मिलता है, लेकिन चेहरा ढके होने की वजह से कुछ श्योरली नहीं कह सकते। देखो, इस वक्त हमारे सामने दो रास्ते हैं। अगर ये बंदा लकी गिल नहीं है, तो फिर हमें उल्टे कदम चल के सारे नक्शे फिर से बनाने होंगे, और अगर ये बंदा लकी गिल है, तो अब हमारे सामने एक नहीं दो दो मर्डर केस, एक लकी गिल का और दूसरा इस उमेश शर्मा का। सर, मैं इस लकी गिल और रघु शर्मा दोनों के फोन रिकॉर्ड्स को एक बार फिर बारीकी से स्कैन करता हूँ। मैं मंजीत को क्वेश्चन करती हूँ, राउंड द क्लॉक नजर रखी हमने उस पर। मैं जरा इस रघु शर्मा से बात करता हूँ। इस टेलीफोन नंबर पर ये सेवा बंद कर दी गई है। रघु शर्मा के खिलाफ हमारे हाथ कुछ ठोस लगा नहीं, इसलिए क्वेश्चनिंग के लिए उसको हमने दोबारा बुलाया नहीं। रघु शर्मा ने शायद अपना नंबर चेंज कर लिया है, आपके पास उसका नया नंबर है? जी, रघु तो शायद अब्रॉड है, लेकिन हमारे पास उसके फैमिली लॉयर चरणजीत खोसला का नंबर है। आप प्लीज मुझे उस लॉयर चरणजीत का नंबर अभी भेज दीजिए। अब लकी ने सच में मर्डर किया है या मुझे गोली दे रहा था, ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, लेकिन उसने बोला जरूर था कि उसने मर्डर किया है। लकी गिल को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगी तो पहचान लोगे? क्या मैडम? हाँ या ना? हाँ, पहचान लूंगा, इतने समय से जानता हूँ, साथ में पूल खेला है, दारू भी तो पी है। ये शायद लकी है, क्योंकि मैंने इसको ना ऐसा जैकेट पहने हुए देखा था। चल चैंप, दिखा ऐसा स्ट्राइक। एनपी दीक्षित हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में 14 जुलाई को रघु शर्मा के फादर उमेश शर्मा का मर्डर हुआ, ये वहां के सीसीटीवी फुटेज से लिया है। मतलब लकी ने इस उमेश शर्मा को? जानते थे उमेश शर्मा को तुम? मैं कैसे जानता था उन्हें? रघु शर्मा से मिले थे? क्या बात कर रहे हो मैडम, मैं कैसे मिल सकता हूँ इन्हें? मैंने तो ये दोनों नाम भी पहली बार ही सुने हैं। लेकिन रघु पर तो कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं गई थी, और ना ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का कोई ऑर्डर। उमेश शर्मा के कत्ल के बाद रघु ने अपना घर बेच दिया, फैक्ट्री भी बेच दी। हाँ, क्योंकि रघु को फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, वो तो पहले से अब्रॉड जाके सेटल होना चाहता था। ये जो प्लान था फैक्ट्री और घर बेचने का, ये मर्डर करवाने के पहले बनाया गया या पहले मर्डर करवाया गया बाद में ये प्लान बनाया गया? इंस्पेक्टर साहब प्लीज़, आप एक वकील से बात कर रहे हैं, मैंने अपने क्लाइंट की सारी डिटेल आपको दी हैं और 100% आपके साथ कोऑपरेट किया है, फिर आप एक क्रिमिनल सस्पेक्ट की तरह मुझसे बात कैसे कर सकते हैं? क्या अपने पिता उमेश शर्मा का कत्ल रघु ने करवाया था? मैंने पहली इन्वेस्टिगेटिंग टीम को रघु और उसके पिता के बीच जो टेंशन थी उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। अब जब उन्हें उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो मैं क्या नया बता सकता हूँ आपको? रघु का सिंगापुर का एड्रेस और फोन नंबर। हाँ, अभी ले लीजिए। रघु को इस बारे में इन्फॉर्म मत कीजिएगा कि हम एक ऐसे केस की तहकीकात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक उसके पिता के मर्डर से हो सकता है। मंजीत ने लकी को आइडेंटिफाई कर लिया है? कंफर्म? कंफर्म तो नहीं कह रहा सर, पर चेहरा ढके होने के बावजूद उसे लगता है कि वो लकी है। कदकाठी से और जैकेट से, कह रहा था उसने लकी को ऐसा जैकेट पहने देखा है। लगता है जो तीर हमने अंधेरे में चलाया था वो निशाने पर लग गया। सुजाता, ये दोनों केसेस कनेक्टेड हैं, कंफर्म। सुजाता सर, ये लकी गिल और रघुवीर शर्मा के फोन रिकॉर्ड्स में डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट कनेक्शन है। सर, ये 3 महीने के रिकॉर्ड्स हैं, इसमें 2 नंबर ऐसे हैं
जो रघुवीर शर्मा की लिस्ट में भी है, और वही दो नंबर्स लकी गिल की लिस्ट में भी है। वीरेंद्र पूनिया और दलजीत राणा, ये दोनों नाम सुने सुने से लगते हैं सर। वीरेंद्र पूनिया और दलजीत राणा, हाँ सर याद आया, जेके रिक्रिएशन क्लब के रजिस्टर में मैंने ये दोनों नाम देखे हैं जब मैं लकी गिल और मंजीत अरोड़ा की एंट्रीज चेक कर रही थी तब। हाँ सर वहीं देखे मैंने ये दोनों नाम। हो सकता है मंजीत अरोड़ा ने हमें पूरा सच ना बताया। मंजीत अरोड़ा, मुझे तुम्हारा वो पूल टेबल वाला गेम तो नहीं खेलना आता, लेकिन इस लॉकअप में इस टेबल पर हम भी एक गेम खेलते हैं, तुम्हारी वो पूल स्टिक से नहीं बल्कि इस डंडे से। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि डंडा तुम कहाँ खाओगे। सर सर वो दलजीत और वीरेंद्र वो क्लब आते थे और लकी के भी दोस्त थे वो लोग। उमेश शर्मा और लकी गिल को किसने मारा और क्यों? मुझे कुछ नहीं मालूम है, ये वीरेंद्र दलजीत और लकी के बीच में क्या पक रहा था मैं नहीं जानता सर। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि उनका उमेश शर्मा के मर्डर केस के साथ क्या ताल्लुक है। मैंने तुझसे पूछा था कि तू रघु को जानता है कि नहीं, तूने मना किया था। हाँ तो मैं अभी कौन सा कबूल कर रहा हूँ मैडम, मैं सिर्फ लकी को जानता हूँ और दलजीत और वीरेंद्र के साथ हाई हेलो है, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम है। ये वीरेंद्र और दलजीत कहाँ मिलेंगे? अब तो मजा आने वाला है। क्यों? अच्छा हाँ अच्छा जी, अगर मैंने नहीं जीते ना तो नाम बदल देना। अच्छा हाँ जी, तो आ जाओ भाई फिर मैदान में, फिर देखते हैं ना। ये देखो आज तुझे दिखाता हूँ असली खेल क्या होता है। देखते हैं। एक सेट हमारे साथ भी खेलो और साथ में दो बातें भी कर लेंगे। जी कौन सी दो बातें? दो बातें, दो मर्डर्स। देखो हमें पता चल चुका है कि तुम दोनों उमेश शर्मा और लकी गिल मर्डर में शामिल थे, अब फटाफट अपने आप सब कुछ बोलोगे या धीरे धीरे तड़पा तड़पा के बुलवाओ? सर वो क्या कर रहा है, आगे बोल। मैडम वो क्या करेगा? करूंगा ये, इंतजाम कर किसी आदमी का। अबे तू अपने बाप को मरवाने की सोच रहा है? इसमें सोचने का क्या है? दलजीत को तो तू जानता ही रघु, ये हमारा फ्रेंड लक्की है। ये करेगा? कितनी सुपारियां उठाई आज तक? ये पहली होगी, अगर पैसे तगड़े दोगे तो उठा लूंगा। 4 लाख दूंगा। एनपी दीक्षित हॉस्पिटल की पार्किंग में काम करना होगा, मेरे दादा वहां एडमिट है, पापा उन्हें देखने रोज आते हैं, वहां की सारी कोऑर्डिनेशन मैं करूंगा। हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा होता है, गमछा भी तो होता है फेस कवर करने के लिए। लेकिन मारेंगे कैसे? गन से, मैं दूंगा। गोली चली तो आवाज भी तो होगी, गन पे कपड़ा भी तो डाल सकते हैं, आवाज दबा सकते हैं। गन कहाँ से खरीदी? खरीदा नहीं सर, रघु के घर पर ही था, उसके पापा का लाइसेंस भी है उसका। क्या ये कैसे हो सकता है? हमने सारे लाइसेंस गन चेक किए थे। रघु के एक साथीदार ने कबूल किया है कि पिस्टल रघु घर से लेकर आया था, उसके फादर की लाइसेंस पिस्टल। सर ये रही हमारी रिपोर्ट, उमेश शर्मा की भी गन चेक हुई थी पर उनकी गन 0.9 बोर की थी और उन्हें जो गोलियां मारी गई वो 0.8 बोर की। 0.9 की गन के लिए 0.8 के कार्ट्रिजेस वही खरीद के लाया था सर, इसलिए फायरिंग करते वक्त गन इतनी जाम हुई थी। और रघु बड़ी चालाकी से हॉस्पिटल में पहले ही मौजूद था, वो लकी से और तुम दोनों से कोऑर्डिनेट कैसे कर रहा था? वो उसको पता था उसके पापा फैक्ट्री से घर और फिर शाम को उसके दद्दू को देखने हॉस्पिटल जाएंगे, वो सब देख रहा था। कहाँ से देख रहा था? हॉस्पिटल से। हाँ जी सर, अपने
टैबलेट से कनेक्ट करके रखी थी। हम अपनी जगह पे हैं रघु, लक्की भी पहुंच गया है। भाई गाड़ी पे नजर रखना। आ रही है। तैयार हो जा। और लकी गिल, उसे क्यों मारा? क्योंकि वो मुंह खोल देता। वो मुंह खोलने की धमकी दे रहा था। ये 2 लाख है, बाकी 2 भी जल्दी दे दो। ऐसे बाकी 2 से काम नहीं चलेगा। मतलब यार, ये ना कभी आपने, ना उस दलजीत ने, ना वीरू ने बताया कि आप आपके बाप का रास्ता साफ करके करोड़ों पे ऐश करने वाले हो। तेरा उससे कोई मतलब नहीं है लकी। 4 की बात हुई थी, तुझे 4 मिलेंगे। बाजार में खबरी भी तो मिलेंगे पुलिस के। धमकी दे रहा है। कीमत मेरे काम की सही कीमत सिर्फ 15 लाख रुपए। 15 लाख का ताला मेरे मुंह पे लगाओगे, अगले 15 जन्मों तक मुंह नहीं खोलूंगा। सोच ले, 15 कब कहा वीरू को बता देना। चलता हूं। रघु हमें 15 लाख रुपए दे रहा था जो लकी उससे मांग रहा था। रघु को डर था कि लकी उसके लिए खतरा बन जाएगा। आज 15 मांगा है, कल 50 मांग लेगा। जिंदगी भर ऐसे ही ब्लैकमेल करता रहेगा। ये सही जगह है। सर, हमने उसकी जेब में कोई सिम कार्ड नहीं डाले। हमने सिर्फ उसका बटवा और उसके आईडी कार्ड्स निकाले बस। और वो लकी अपने पास कई सारे सिम कार्ड रखता था। ड्रग्स के धंधे में लोग ऐसा करते हैं। इन दोनों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? यही रघु शर्मा, कि तुम्हें विदेश जाने से रोका नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच चुके हो। फिर वही पुरानी बात। पुरानी बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं रघु शर्मा। आज की ताज़ा खबर यह है कि वीरेंद्र पुनिया और दलजीत राणा दोनों ने अपने जुर्म कबूल कर लिए और बयान रिकॉर्ड करवा दिए। अब तुम्हारे पास चॉइस यही है कि तुम खुद यहाँ के सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारे गले में रस्सी डालकर सिंगापुर से घसीट कर लाएंगे। तुम्हारे बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स सब फ्रीज हो जाएंगे। ज़्यादा सोचो मत रघु शर्मा, आ जाओ। कौन था रघु? किसका फोन था? मोनिका, पापा को मैंने ही मरवाया था। व्हाट? हाँ, और उस आदमी को भी जिसे मैंने पापा के मर्डर में यूज किया था। अब पुलिस को सब कुछ पता चल गया है। कौन सा एंगल कब और कहां से इन्वेस्टिगेशन को ब्रेक थ्रू दिलवाएगा, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। पर हां, इतना जरूर है, अगर कभी भी आपको यह लगे कि ये एंगल सही नहीं है, उस वक्त ये पक्का कर लेना जरूरी है कि ये एंगल वाकई सही नहीं है। हो सकता है तब भी आपको सही एंगल ना मिले, पर कम से कम उस कोशिश में सही एंगल का इशारा जरूर मिल जाता है। परफेक्ट क्राइम इज ए मिथ जो तहकीकात में हमारी अपनी खामियों और गलतियों की वजह से होती है। बस आप अपनी गलतियों को पहचानते रहिए और उन्हें सुधारते रहिए। जय हिंद। जय हिंद। रघु के पिता उमेश शर्मा के कत्ल के लिए रघु शर्मा, दलजीत राणा, वीरेंद्र पुनिया और लकी गिल पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और आर्म्स एक्ट के चार्जेस लगाए गए हैं। रघु शर्मा को सिंगापुर से वापस लाने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। इस प्रक्रिया में वक्त लग सकता है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।